को भी स्वस्थ रखें और शहर को भी साफ सफाई करके स्वस्थ रखने का काम करें। और पटना के साफ सफाई को लेकर के पिछले बार से इस बार जो है रैंकिंग में भी अभी बेहतरी हुई है, तो हम लोगों की कोशिश है कि पूरी तरीके से आने वाले समय में जो वेस्ट मैनेजमेंट जो पॉलिसी है उन सब चीज़ों पे काम विभाग जो है कर रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे किया जाए इस पर हम लोग सब लोग जो है चर्चा कर रहे हैं। पब्लिक टॉयलेट को लेकर किस चीज़ पे सुशील मोदी ने कहा है कि हम लोगों ने जब उन्होंने धार्मिक ग्रंथ के खिलाफ बोला तो आप लोग को भी कार्रवाई करने शिक्षा मंत्री के हम उनके बातों का जवाब हम नहीं देना चाहते हैं। ये सब कोई एजेंडा नहीं है, बेकार की बातें हैं। और ये सब कितना दिन तक आप लोग एक ही बात को लेकर के खींचते रहिएगा अपने, ये कोई एजेंडा है क्या? तेजस्वी जी, अश्विनी चौबे को बिहार में डर लग रहा है, कल रोने लगे और बोले हैं कि हम पर सरकार पर हत्या का आरोप लगाया, हत्या का आरोप लगाए हैं कि हम उनकी जान को खतरा है, वो कह रहे हैं मेरी जान को खतरा है। नहीं नहीं, सब क्या रोए हैं क्या किए हैं, काल तक जो है बिहार में रही है और अभी भी इतना अगर डर लग रहा है तो दिल्ली में कैसे जाते होंगे, दिल्ली में क्यों नहीं रोते हैं? NCRB का अगर आंकड़ा देखिएगा तो बिहार से बदतर स्थिति तो आपकी दिल्ली में है, बिहार फिर भी जो है 22वें पायदान पर है, टॉप 15 में भी नहीं है, लेकिन वो 15 राज्य में जा करके क्या करेंगे? तो बीच चौराहे पर बैठे हुए थे ना भाई, कहाँ कुछ हुआ? सुंदर बनाए, ज़्यादा से ज़्यादा साफ सुथरा हमारा शहर हो, इसको लेकर के विभाग और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पटना ने एक अभियान शुरू किया जहाँ लगभग 630 जहाँ कूड़ा रखा रहता था उनको जो है वहाँ से साफ़ सफाई करवा करके हटा करके, आपने देखा होगा ये जहाँ आज हम लोग खड़े हैं एक पॉइंट वो है उसमें से, तो काफ़ी बेहतरीन ढंग से काम हुआ है। और पटना नगर निगम ने और जो अपने प्रधान सचिव हैं लोग लगे हुए हैं, पटना कमिश्नर नगर आयुक्त जो हैं वो लोग लगे हुए हैं कि पूरे बिहार में हम लोग जो हैं हर जगह जहाँ भी हमारा कार्य क्षेत्र रहे उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ सुथरा हम लोग रखने का काम करें, चाहे सौंदर्यकरण की बात हो, साफ़ सफाई की बात हो। तो उस हिसाब से आज लगभग जो है 26 जनवरी तक, क्योंकि 630 में से लगभग अब 40 या 50 ही बचे हैं ऐसी जगह स्थल, और कोशिश है कि 26 जनवरी से पहले उन जगहों को भी हम लोग साफ़ सुथरा कर लें। तो एक अच्छा अभियान है और साफ़ सफाई को लेकर के, क्योंकि कितना भी साफ़ सफाई विभाग करे लेकिन जब तक लोगों के बीच जागरूकता नहीं होगी, जब तक लोग खुद से पहल नहीं करेंगे तब तक जो है पूरी तरीके से कामयाबी नहीं मिलती है। तो हम तो लोगों से भी अपील करेंगे कि अपने अपने शहरों में जो है साफ़ सफाई जो है वो किया करें, साफ़ सफाई होने से बीमारियाँ जो है वो भी कम होती हैं, क्योंकि जितना गंदा कचरा रहता है उससे कई जगह जो है बीमारी और इन्फेक्शन का डर बना रहता है। तो खुद को भी स्वस्थ रखें और शहर को भी साफ सफाई करके स्वस्थ रखने का काम करें। और पटना के साफ सफाई को लेकर के पिछले बार से इस बार जो है रैंकिंग में भी अभी बेहतरी हुई है, तो हम लोगों की कोशिश है कि पूरी तरीके से आने वाले समय में जो वेस्ट मैनेजमेंट जो पॉलिसी है उन सब चीज़ों पे काम विभाग जो है कर रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे किया जाए इस पर हम लोग सब लोग जो है चर्चा कर रहे हैं। पब्लिक टॉयलेट मोदी ने कहा है कि हम लोगों ने नुपुर शर्मा पर कार्रवाई की, हम लोगों ने जब उन्होंने धार्मिक ग्रंथ के खिलाफ बोला तो आप लोग को भी कार्रवाई करने हम देखिए हम उनके बातों का जवाब हम नहीं देना चाहते हैं, ये सब कोई एजेंडा नहीं है, बेकार की बातें हैं। और ये सब कितना दिन तक आप लोग एक ही बात को लेकर के खींचते रहिएगा भाई, ये कोई एजेंडा है क्या? तेजस्वी जी, अश्विनी चौबे को बिहार में डर लग रहा है, कल रोने लगे और
बोले हैं कि हम पर सरकार पर हत्या का आरोप लगाए हैं कि हम हत्या करवाना चाहते हैं। अब सब क्या रोए हैं क्या किए हैं ये हमको जानकारी भी नहीं है, लेकिन भाजपा 17 साल तक जो है बिहार में रही है और अभी भी इतना अगर डर लग रहा है तो दिल्ली में कैसे जाते होंगे, दिल्ली में क्यों नहीं रोते हैं। एनसीआरबी का अगर आंकड़ा देखिएगा तो बिहार से बदतर स्थिति तो आपकी दिल्ली में है, बिहार फिर भी जो है 22वें पायदान पर है, टॉप 15 में भी नहीं है, लेकिन वो 15 राज्य में जा करके क्या करेंगे।